So hey, what's up guys, Harsh here and back with another video. So guys, in this video I'm gonna show you a comparison of these two devices. This right is the original AirPods and this right is the TWS i7S. So guys, recently jo maine apni AirPods ki unboxing wali video dikhai thi, usme aap logo se pucha tha ki kya mereko in teenon ka comparison karna chahiye. I mean, I have the i10S as well. I'll just show you. So as you can see, this right here is the i10S. I'm sorry, the i9S, not the i10S. So guys, jaise ki aap dekh sakte hain, ye wale earphones hi mere paas hai. Iska video comparison main next video mein dikhaunga. Fir के लिए हम फोकस करते हैं i7s पे. सो गाइस, अगर आपको i7s का पूरा इन डेप्थ रिव्यू देखना है, मैं उसकी लिंक डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर इसको देख सकते हैं. एंड गाइस, हमारा एयरपॉड्स के भी रिव्यू डाल दूंगा, फुल जो इन डेप्थ रिव्यू मैंने बना रखा था वो भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको वॉइस क्वालिटी वगैरह के बारे में पता लग जाएगा. तो फिलहाल के लिए हम बस इन दोनों कंपैरिजन में फोकस करेंगे. एंड गाइस, अगर आपको इन दोनों की 1:1 फोटोज देखनी है, HD फोटोज, तो मैं उसके भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर उसको देख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इन दोनों में कुछ भी खरीदने हैं, दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. सो गाइस, फटाफट पहले हम अनबॉक्सिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं. सो अगर हम i7s की अनबॉक्सिंग देखिए, उसमें तो ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं. अनबॉक्सिंग कुछ सिंपल, आपने बॉक्स खोला है एंड उसमें बस आपको ये एयरपॉड मिल गए. नीचे शायद से एक मैनुअल और एक चार्जिंग के लिए भी है, आई डोंट रिमेंबर, मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको अनबॉक्स किया था. या एक चार्जिंग केबल है और एक हमारे वो है क्विक स्टार्ट गाइड, और बाकी कुछ नहीं है हमारे i7s में. और जो हमारे एयरपॉड है उसकी ऑब्वियसली पैकेजिंग थोड़ी सी अच्छी है. एंड नीचे में बस एक वो मिलती है लाइटनिंग केबल, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइटनिंग केबल. एंड बाकी हमारे एयरपॉड्स की पैकेजिंग में भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है. सो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ. वैसे गाइस, अगर हम पैकेजिंग का ही वेट देखें, खाली पैकेजिंग का, इसमें सिर्फ एक कार्डबोर्ड है जो कि बहुत चीप क्वालिटी का है. एंड ऑब्वियसली इसमें एक हैवी अच्छी क्वालिटी का है. सो गाइस, दोनों का प्राइस ये है. जो हमारा TWS i7S है, ये मिल जाएंगे आपको 400 से लेकर 700 रुपये के बीच में कहीं भी. एंड जो ये वाले हैं, ये आपको इंडिया में मिलेंगे 13,000 रुपये के, दी आईफोन मतलब एप्पल वाले एयरपॉड्स. सो गाइस, सबसे पहला डिफरेंस जो आपको पता लग ही रहा होगा वो होगा साइज़ में. मैं थोड़ा जूम करता हूँ. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला डिफरेंस जो आपको पता लग रहा होगा वो है इन दोनों का साइज़. सो गाइस, जो हमारे एयरपॉड्स हैं उनका साइज़ इनसे बहुत ही ज़्यादा छोटा है. जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे नॉर्मल हैंड्स है एंड दोनों में कितना ज़्यादा फर्क हमें दिखाई दे रहा है. सो गाइस, जो एयरपॉड्स हैं उनकी जो क्वालिटी है, प्लास्टिक की क्वालिटी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ये TWS i7S है. एंड गाइस, ये भी ऑब्वियस रीज़न की वजह से, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं अपने एयरपॉड्स पे. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये भी चीज़ मैग्नेटिक है हमारे एयरपॉड्स पे. और गाइस, जो हमारे एयरपॉड्स हैं अगर हम उनको निकालते हैं तो वो अंदर ही मैग्नेट के साथ ही चले जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, बस मैं इतना करूँगा, अपने बीच चले जाते हैं. ये चीज़ें मैग्नेटिक है हमारे एयरपॉड्स में. ऑन दी अदर हैंड, जो हमारा TWS i7S है, उसकी जो क्वालिटी है बॉक्स की, वो बहुत ज़्यादा चीप है. बिल्कुल एक चीप प्लास्टिक, जैसे टॉयज़ में देखने को मिलती है सस्ते वाले, वैसी प्लास्टिक है. एंड गाइस, ये बिल्कुल हमें खींच के ओपन करना पड़ता है, इसमें कोई मैग्नेट नहीं लगी हुई है, पुल करना पड़ता है ओपन करने के लिए. बट गाइस, दैट्स प्रीटी ओके, क्योंकि आप इसके लिए बिल्कुल 500 से लेकर 700 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, या फिर कई जगह 300 का ही मिल जाता है. तो इसमें आप इसके लिए आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं बोल सकते आप. एंड गाइस, जो दूसरी चीज़ है, इसमें आपको इसको खींच के बाहर निकालना पड़ता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे इसमें ओपन वाला चार्जर देखने को मिल जाता है. आई जस्ट शो यू इफ़ यू कैन, इफ़ आई कैन आई मीन. सो जो मैं पुराने नोकिया के फ़ोन में देखने को मिलता था, वाला चार्जर इसमें है और वो कुछ इस तरह से इसके अंदर चला जाता है. हमें इसको पुश करना पड़ता है नीचे, ये अपने आप नहीं जाते हैं. सो बाय डिफ़ॉल्ट ये इतने होते हैं अगर हम पुश ना करें. एंड जैसे मैं इसको पुश करता हूँ, वो चार्जर में लग जाता है एंड चार्ज होने लग जाते हैं. सो आई जस्ट टेक दीज थिंग्स आउट ऑफ द केस एंड मैं एयरपॉड्स को भी बाहर निकालता हूँ. सो गाइस, ऑब्वियसली दोनों की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क तो होगा. गाइस, क्वालिटी का फर्क तो हम देख लेंगे, बट गाइस, इनका जो साइज़ में फ़र्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेजर है. एंड आई जस्ट शो यू, मैं इन दोनों को सबको साइड में रखता हूँ, सिर्फ आपको साइज़ दिखाता हूँ. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारे एयरपॉड्स हैं वो हमारे इस TWS i7 से बहुत ज़्यादा छोटे हैं. एंड जो कि अच्छी बात है, क्योंकि एयरपॉड थोड़े लाइट वेट भी हैं. वैसे लाइट वेट तो ये भी हैं, बट गाइस, एयरपॉड कान में अच्छे लगते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं. ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तो इसको आप अगर कान में काफ़ी देर तक लगा के रखते हो तो गाइस, थोड़ी बहुत दर्द आपके कान में होना शुरू हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड, एयरपॉड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है. कई अगर मैं सिंपल डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो 1:1 कॉपी बनाने की कोशिश कर रखी है. काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे वाला चार्जिंग के लिए जो मेटल पार्ट यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारा ओरिजिनल एयरपॉड से. एंड गाइस, यहाँ पर हमें भी बस ये सेंसर वाली डॉट देखने को नहीं मिली है, ये वाली डॉट भी बना रखी है. एंड गाइस, पीछे इंस्टेड ऑफ दैट दिस सेंसर वाले बटन के, यहाँ पर हमें देखने को मिला है एक पुश बटन, जिसको हम दबा के रखते हैं तो हमारे ये ऑन हो जाते हैं. एंड यप, हेवी गो. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लू लाइट जल रही है इसमें, इसका मतलब ये ऑन हो गया, पेयरिंग मोड पे आ गए हैं. मैं फिलहाल के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ. डिज़ाइन अगर मैं बात करूँ, दोनों के काफ़ी सिमिलर डिज़ाइंस हैं, बट गाइस, साइज़ में ही फ़र्क है. और साइज़ में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा बड़ा है फ़र्क है. कान में गाइस, थोड़ी देर लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं हमारे TWS i7S. और बट गाइस, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, सो गाइस, जो हमारे एयरपॉड्स हैं उनको कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है. एंड मोस्ट प्रॉब्ली
शायद से कुछ लोगों को पता हुआ है जिन्होंने एयरपॉड्स यूज़ करे, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी कि गाइस एयरपॉड को कनेक्ट करना कितना ज़्यादा आसान होता है। सो आई जस्ट शो यू। सो गाइस जैसे ही मैं कुछ देर के लिए मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूँ। सो गाइस इसी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है हमारे एयरपॉड्स की, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता अगर आप एक आईफोन से कनेक्ट कर रहे हैं। सो मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा एंड अपने आईफोन के पास रख दूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एक पॉपअप आ जाएगा हर्ष एयरपॉड एंड ये सिंपली कनेक्ट। जैसे मैं इसको इसके बाहर निकालूंगा ये कनेक्ट हो जाएंगे मेरे आईफोन डिवाइस के साथ। सो मैंने जैसे ये बाहर निकाले हैं ये हो चुके हैं अपने आप कनेक्ट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी जाने की सेटिंग्स में और कनेक्ट करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं हर्ष एयरपॉड लिखा आ गया है और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है गाइज एयरपॉड्स की, तभी मेरे हिसाब से इसका रेट इतना ज़्यादा है। एंड गाइज जो हमारे ऑन द अदर हैंड जो ये वाले हैं एयरपॉड्स, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए, पहले आपको दोनों इनको ऑन करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद जाके आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक काफ़ी मतलब अगर आप देखें ना शॉर्ट टर्म में डे टू डे आपको ऐसा करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गाइज मैंने पर्सनली काफ़ी टाइम तक ये वाले यूज़ करे हैं बिफोर परचेजिंग दी ओरिजिनल एयरपॉड्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बार बार इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता था एंड उसके बाद मेरे को दोबारा अपने फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ता था। बट विद एयरपॉड्स ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है, मेरे को सिंपली इनको ऑन करना पड़ता है अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट थिंग इज बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप जो हमारे एयरपॉड्स है उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस ये 5 घंटे चली जाते हैं आराम से एंड ऑन द अदर हैंड मतलब अगर 5 घंटे चल गए हैं जब मैं इसको डाल के रखता हूँ अपने केस के अंदर और ये चार्ज होते ही रहते हैं, ऑब्वियसली हमेशा चार्ज हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट जो जल रही है इसका मतलब ये चार्ज हो रहे हैं। सो गाइस अभी तो इसकी बैटरी 100% है। सो गाइस ये 15 मिनट में पूरा चार्ज हो जाते हैं 0 से लेकर 100% तक एंड 5 घंटे बैटरी बैकअप देते हैं। और जो इसका केस है वो उसको कम से कम 3 से लेकर 4 बार या फिर शायद से मैंने एक बार ट्राई किया था 5 बार भी चार्ज कर देता है पूरा, जो कि एक अमेजिंग मतलब दोबारा से बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग बात है, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी। एंड गाइज ऑन दी अदर हैंड अगर हम TWS i7 की बात करें गाइज ये भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप तो इतना नहीं देते हैं, मतलब ये चलते हैं अराउंड 1.5 से लेकर 1.5 घंटे चलते हैं। एंड गाइज जो इनका केस है वो इनको 3 बार चार्ज कर देता है पूरा। सो गाइज अगर आपका केस फुली चार्ज होगा एंड जो केस है उसकी चार्जिंग होती है हमारी इसमें माइक्रो USB से एंड इसमें चार्जिंग होती है लाइटनिंग पोर्ट से। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पीछे मिला है इसमें नीचे मिला है एंड अगर आप चाहें अगर आपके पास वो ओपन वाला चार्जर है तो आपको डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर डाल के। एंड गाइस जैसे कि मैं बता रहा था इसको ये खुद चलते हैं 1 से लेकर 1.5 घंटे तक। एंड गाइस जो इनका केस है इनको 3 बार फुल चार्ज कर देता है एज़ कम्पेयर टू ये 5 घंटे चलते हैं और इनका जो केस है इनको 5 बार चार्ज कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे एयरपॉड्स के लिए। और अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तो हमारे जो ये है एयरपॉड्स ये भी एंड्रॉयड कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी आईफोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं एंड ये भी सिंपल दोनों आईफोन एंड्रॉयड दोनों से कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कनेक्शन रेंज की अगर मैं बात करूँ सो भाई जो हमारे आईफोन है इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, कई बार तो मैंने देखा है जब मैं ग्राउंड में होता हूँ तो 90 फीट से भी ज़्यादा तक सिग्नल आ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे ये हैं गाइस कई बार आपकी पॉकेट में रखा होगा, TWS i7 है, कई बार आप फोन आपकी पॉकेट में रखा होगा एंड बहुत सारे लोग होंगे या फिर आप थोड़ा सा भी दूर जाएंगे तो आपको डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती हैं हमारे TWS i7S में। बट गाइस जो एयरपॉड्स हैं उनका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एंड गाइस दिस इज ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, आप इतने कम पैसे स्पेंड करके इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ दोनों की वर्थ वैल्यू फॉर मनी के बारे में गाइस मेरे को लगता है कि $160 के लिए और 13,000 या फिर 14,000 रुपये के लिए जो हमारे एयरपॉड्स हैं ये भी सेटिस्फाई करते हैं अपने प्राइस पॉइंट को। एंड गाइस 400 से लेकर 700 रुपये के लिए जो हमारे एयरपॉड्स हैं TWS i7S है ये भी अपनी उसको सेटिस्फाई करते हैं अपने प्राइस को। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दिस थिंग। सो गाइस अगर आप दोनों में से कोई भी खरीदेंगे अगर आपका बजट कम है या फिर आप अगर आप एक एयरपॉड्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस टू बाय दिस थिंग, क्योंकि गाइस ये 300 से लेकर 700 के बीच में मिल जाते हैं, 300 से 700 बीच में मेरे हिसाब से इनसे अच्छे एयरफोन आपको नहीं मिलेंगे और वो भी वायरलेस, वो भी फुल्ली वायरलेस, बीच में कोई वायर नहीं है। एंड गाइस अगर आपको थोड़े पैसे स्पेंड करने हैं अपने एंड आपके पास आईफोन है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दी एयरपॉड्स। सो गाइस मैंने कंप्लीट रिव्यू बना रखा है कि आपको इन दोनों डिवाइस को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। एंड गाइस मेरे हिसाब से मैंने सारे पार्ट्स कवर कर लिए अपने TWS i7S और एयरपॉड्स के बारे में। सो गाइस आई थिंक दैट्स इट प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू गाइस मेड इट टू द एंड ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मेकिंग मी मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।